नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्य शर्मा और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आजकल देखा जा रहा है किडनी के स्टोन की समस्या को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, गाल ब्लेडर के स्टोन की समस्या को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आजकल ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी किसी को किडनी का भी स्टोन है और गाल ब्लेडर का भी स्टोन है। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कौन सी दवा किडनी स्टोन में खाएं, कौन सी दवा हम गाल ब्लेडर की स्टोन में खाएं। तो आज इन दोनों समस्या के लिए हम एक होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा मेडिसिन बताने जा रहे हैं और यह मेडिसिन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। इसको यूज़ करने से आपके किडनी का स्टोन, गाल ब्लेडर का स्टोन, दोनों स्टोन साथ साथ में रिमूव हो जाता है। जी हाँ, आइए हम उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बता देते हैं। इस मेडिसिन का प्राइस क्या है इसके बारे में भी बताऊंगा, ये मेडिसिन कहाँ पे मिलेगी इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर आर्य शर्मा, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, आइए आज हम एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि किडनी स्टोन और गाल ब्लेडर स्टोन के लिए बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। जी हाँ, आइए हम इस मेडिसिन के बारे में बता देते हैं। वैसे अगर आपको किडनी का स्टोन कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कितने टाइप का होता है, पित्त के स्टोन का फॉर्मेशन कैसे होता है और ये कितने टाइप का होता है, ये कैसे बन जाता है, इस तरह का एनाटॉमी अगर आपको देखना है तो इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो देख सकते हैं। आज मैं केवल एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि किडनी स्टोन के लिए और गाल ब्लेडर स्टोन के लिए दोनों में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है। जी हाँ, ये मेडिसिन का नाम है स्टोनिल। इस मेडिसिन का नाम है स्टोनिल। जी हाँ, ये स्टोनिल मेडिसिन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है और रिमूव रेनल एंड गाल स्टोन, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आइए इस मेडिसिन के बारे में पूरा मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और ये MDL कंपनी इसको बनाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो MDL कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, MDL कंपनी इसको बनाती है। इसमें दो शीशियाँ रखी होती है, आइए हम इनको दिखा देते हैं आप लोगों को। इन दोनों शीशियों को कैसे पीना है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो इसमें जैसे ये दो शीशी रखी होती है, एक नंबर की मेडिसिन है और दूसरी दो नंबर की मेडिसिन है। तो ये दोनों मेडिसिन कैलकुलस को बहुत जल्द रिमूव कर देती हैं, चाहे आपके किडनी में हो और चाहे आपके गाल ब्लेडर में हो। तो आइए इस मेडिसिन के बारे में मैं पूरा बता देता हूँ। आइए सबसे पहले मैं कंपोजिशन के बारे में बात करता हूँ, कौन कौन सी मेडिसिन मिला करके एक नंबर वाली मेडिसिन तैयार की गई है और कौन कौन से कंपोजिशन मिला करके दो नंबर की मेडिसिन तैयार की गई है। तो आइए हम सबसे पहले एक नंबर के कंपोजिशन के बारे में बता देते हैं। एक नंबर का जो मेडिसिन है उसमें देखते हैं कौन कौन सी मेडिसिन मिलाई गई है। जी हाँ, बर्बेरिस बल्गेरिस मिलाई गई, बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर मिलाया गया है जो कि आप लोग जानते हैं, किसी भी तरह का एक, चाहे स्टोन आपके गाल ब्लेडर का हो चाहे स्टोन आपके किडनी का हो, दोनों तरह की स्टोन को ये बहुत जल्द रिमूव करता है। और अगली मेडिसिन कार्डस मिलाया गया है जो कि इसका मदर टिंचर मिलाया गया, बहुत अच्छा मेडिसिन है। प्रेरा ब्रेवा मिलाया गया है, ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवावर्सी, कैंथेरिस और मेंथापी, इतनी मेडिसिन मिला करके एक नंबर की मेडिसिन तैयार की गई है। तो आइए दो नंबर की शीशी के बारे में मैं बता देता हूँ। कोलेस्टीन 12x में मिलाया गया है, कैल्केरिया कार 12x में मिलाया गया है और फैलचुरी 12x में मिलाया गया है। ये तीन मेडिसिन मिला करके इसमें जो दूसरी शीशी रखी है उस मेडिसिन को तैयार किया गया है। आइए मैं सबसे पहले किडनी स्टोन के डोज के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर आपको किडनी का स्टोन है और इस स्टोन का साइज अगर 10 mm से कम है तो इस मेडिसिन को 20 ड्रॉप आधे कप पानी में मिला करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीते रहिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि एक ही शीशी से आप 20 ड्रॉप पी रहे हैं, नहीं, दोनों शीशियों से आधे कप पानी में डाल करके 20 ड्रॉप इस शीशी से और 20 ड्रॉप दूसरी वाले शीशी से, तो दोनों शीशियों से आप 15 से 20 ड्रॉप आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीते रहिए और बहुत जल्द आपकी समस्या सही हो जाएगी। अगर आपके स्टोन का साइज 10 mm से बड़ा है तो इस मेडिसिन को, दोनों मेडिसिन को 25 से 30 बूंद आधे कप पानी में डाल करके पीते रहिए, बहुत जल्द आपके किडनी के स्टोन की समस्या सही हो जाएगी और आप बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। आइए मैं गाल ब्लेडर के बारे में बात कर लेता हूँ, गाल ब्लेडर के स्टोन के बारे में बात कर लेता हूँ। जी हाँ, गाल ब्लेडर का अगर स्टोन आपको है तो आपको क्या करना है, इस मेडिसिन को 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डाल करके सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीते रहिए और आपके गाल ब्लेडर के स्टोन की समस्या बहुत जल्द सही हो जाएगी। तो आइए मैं इस मेडिसिन के MRP के बारे में बात कर लेता हूँ, इस मेडिसिन के प्राइस के बारे में बात कर लेता हूँ। जुलाई 2018 में इसका प्राइस था 150 रुपये। जी हाँ, जुलाई 2018 में इस मेडिसिन का प्राइस 150 रुपये था। इसमें दो प्रकार की शीशियाँ रखी हुई होती हैं, दोनों शीशियों में 30-30 ml जो है मेडिसिन होता है। दोनों शीशियों में से आपको बताए गए डोज के अनुसार मेडिसिन को पीते रहना है, बहुत अच्छी मेडिसिन है और इस तरह से मेडिसिन का आप यूज़
कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल स्टोनिल था, स्टोनिल के बारे में मैंने बता दिया है। आपसे मैं कहना चाहूँगा, आप वीडियो देखने में खो जाते हैं, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। जी हाँ, इधर एक लाइक का बटन दे रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं, तो इधर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दे रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह की समस्या से अगर कोई आपका जानने वाला पहचानने वाला बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और स्टोन से रिलेटेड अगर आपको ज़्यादा एनाटॉमी जानना है, तो आप इधर वाला वीडियो चाहे इधर वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैलाइए, पॉलीथीन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।